वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश कैसे रहें, तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि हम इस डिफिकल्ट जो हमारी लाइफ है उसमें खुश कैसे रहें। हम अक्सर ये बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा बचपन था जिसमें हम खुश रहते थे, कोई भी टेंशन नहीं रहती थी, है ना, बिल्कुल फ्री माइंड। तो क्यों ना अब नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो इतने, मतलब वो हमेशा ही खुश रहते हैं। वो क्या है ना, वो इतने इतने मासूम होते हैं कि वो अपने सोच का जो नजरिया है वो उसको इतना अच्छा करते हैं कि वो कोई भी बुरी से बुरी बात हो उसमें खुशी ढूंढ लेते और फिर खिलखिला के हंस उठते। तो क्यों हम वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। फ्रेंड्स, देखिए, खुश रहने के लिए हमें अपना जो सोच का नजरिया है, देखने का नजरिया है, वो बदलना पड़ेगा। इसके लिए कोई ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हम जो सोचते हैं वो किस दिशा में सोचते हैं। एक तो सोच दो प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी। अगर आप बुरी सोचोगे तो आप में नेगेटिविटी रहेगी और आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, ना खुश रह पाओगे। दूसरा होता है अच्छा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप में पॉजिटिविटी रहेगी और आप कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा करते रहोगे। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि खुश कैसे रहें। इसके बारे में हम फुल डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे पूरे वीडियो में। तो आप वीडियो ये एंड तक जरूर देखें, ओके। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, एक राजा था, एक राज्य में एक राजा राज करता था। और एक दिन उसका दरबार भरा हुआ था और उसने अपने दरबारियों को समझाने के लिए, अपने मंत्रियों को, अपने सेना को समझाने के लिए अपने दरबार में एक बहुत विशाल हाथी बुलाया, ओके। बहुत विशाल हाथी बुलाया और तीन तीन अंधे को बुलाए। वो कुछ समझाने जा रहा था। वो देखिए आप, वो आपको कहानी के एंड में समझ में आएगा वो क्या समझाने जा रहा था। उसने तीन अंधे और एक विशाल हाथी बुलाया। उसने तीनों अंधों को तीनों दिशाओं में खड़ा कर दिया और जो विशाल बड़ा हाथी था उसको चौथी साइड, मतलब चौथी दिशा में खड़ा कर दिया, ओके। तो फिर राजा ने कहा कि ये जो तीन अंधे हैं, उसमें से पहले अंधे से कहा कि भाई आप थोड़ा आगे पढ़ो और अपना हाथ आगे टच करो और छुओ और देखो ये है क्या, इस चीज को बताओ। वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, ठीक है, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और उसने कहा कि अरे भाई ये तो सांप जैसा कुछ दिख रहा है, और उसने तुरंत छोड़ा, घबरा के पीछे हट गया। फिर दूसरा अंधा आया, तो राजा ने कहा दूसरे अंधे से, भाई आप भी आगे बढ़ो और आप हाथ आगे करो और आप देखो कि आगे है क्या, उसको छू के बताओ। दूसरा अंधा आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर छुआ उसने तो वो हाथी का पैर था। तो अंधा तो कुछ देख नहीं सकता, वो सिर्फ महसूस कर सकता है। उसने कहा अरे भाई ये तो कुछ पेड़ जैसा लग रहा है, कुछ पेड़ है ये तो, ओके कोई बात नहीं, वो पीछे हटा। फिर राजा ने तीसरे अंधे से कहा भाई आप भी आगे आओ, आप देखो ये है क्या। तीसरा अंधा आगे आया, उसने देखा, हाथ आगे बढ़ाया, उसने ऐसे ऐसे हाथ घुमाया ऐसे, फिर उसने कहा अरे भाई ये तो बहुत विशाल बड़ी लंबी चौड़ी दीवार लग रही है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, आप भी पीछे आ जाओ। अब फिर राजा ने दरबारियों से पूछा, अब बताइए इन तीनों अंधों ने कौन कौन सी चीज पकड़ी थी। तो सब दरबारियों के सब दरबारी ये सब कुछ देख रहे थे, फिर उनको, फिर वो सोच में पड़ गए।
तो राजा ने कहा कि मैंने इन सबको, इन चारों को इसलिए बुलाया था कि मैं आपको समझा सकूं कि हमारी सोचने का नजरिया, हम क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, तो जो हमारी जो सोचने का नजरिया है वो हमें चेंज करना पड़ेगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। देखिए, अंधा जो है वो पूंछ के पास ही खड़ा हुआ था, तो वो उसकी जो जगह थी तो उसने यही अंदाज लगाया है ना। दूसरा अंधा था, वो पैर के पास खड़ा था, इसलिए उसको पेड़ जैसा लंबा और चौड़ा लगा। तीसरा जो अंधा था, वो पेट के पास खड़ा था, उसको दीवार सी दिखी है जब उसने हाथ रखा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने जा रही हूँ कि हमें अपना सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जो भी देखा और तुरंत बोल दिया, ऐसे करने से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसी के बाद मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाह रही हूँ कि हम दूसरों से हमें ना ही माफी मंगवानी चाहिए। छोटी छोटी बात पे हम ऐसा बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो माफी मांगते हैं, और अगर ऐसी बात लंबी हो जाती है और फालतू हमारे दिमाग में और टेंशन हो जाती है और हम डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो एक बात ये भी है कि हमें सभी को माफ कर देना है, कोई भी गलती हुई हो, और अगर हमसे भी गलती हुई हो तो हमें भी माफी मांगना है। ये भी एक खुश रहने का एक टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा ये है कि हमें बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लोगे तो गए, बिल्कुल खुश नहीं रह पाओगे। इसी के बाद मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूंगी कि हमें ये बात है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। देखिए, हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहने चाहिए। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहने से क्या है ना, हमें एक तो पॉजिटिविटी मिलती है, राइट, और दूसरी बात कि हम नेगेटिविटी से कोसों दूर रहते हैं। जैसे कि अगर आपको खुश रहना है तो आप पॉजिटिव वीडियो देख सकते हो। इस जमाने में, इस टाइम में तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो खुश रहने के लिए सर्च कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात है कि आप जब भी दुखी हो, जब भी आप डिप्रेस हो, तब आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, और आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, और उसमें आप वर्क कर सकते हो ताकि आप खुश रह सको, क्योंकि आपको वो काम पसंद है, आपका वो वर्क फेवरेट है। उसी के बाद मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगी। एक तो खुश ना रहने का एक और बात है जो हमको बहुत ही परेशान करती है, वो भी इस जनरेशन में, वो है कंपेयर, तुलना। ये जो है कंपेयर, वो हमें बहुत परेशान करती है। अरे भाई, देखो पड़ोसी वाले की गाड़ी आ गई है तो आप कब लाओगे। ऐसे कंपेयर करने से हमारे दिमाग में डिप्रेस होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई देखो ये आगे बढ़ रहा है। हमको जलसी होती है किसी की सफलता देख के। ऐसा नहीं करना है, अगर कोई आगे बढ़ा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। एप्रिशिएट करने से, अच्छी बातें शेयर करने से आपको खुशी मिलेगी, ये आपके लिए अच्छा है। दुखी रहोगे, आपकी बीमारियों में बढ़ोतरी होगी और आप दुखी रहोगे। इसी के बाद दूसरी बात की आती है कि रिश्तों में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिस वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। देखिए, जैसे कि कोई बहू है और उसके ससुराल में उसकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, इन लॉज है, इनके बीच नहीं बनती, दिरानी है, जिठानी है, इन लोगों के बीच नहीं बनती। तो उसके उसको अपनी सोच का नजरिया बदलना चाहिए कि भाई देखो, हमें उम्र भर इन्हीं के साथ रहना है। तो हमें किस बात का लड़ना झगड़ना, एक बार लड़ाई हो गई तो फिर कभी भी लाइफ में जो 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 दोबारा से गठबंधन होगा उसमें गांठ गांठ लग जाएगी, तो ये बात का ख्याल रखना है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी।
तो खुश रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर करें प्लीज, और अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि वो भी खुश रहें अपने फ्यूचर में और अपने प्रेजेंट में। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत सारा धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।